हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। हम इस लेक्चर में मध्य प्रदेश के लोक नृत्य डिस्कस करने वाले हैं। लोक नृत्य के डिस्कस करेंगे दोस्तों। हर क्षेत्र के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश की संस्कृति से रिलेटेड, तो लोक नृत्य डिस्कस करेंगे। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं आप लोग दोस्तों। इसमें हम लोक नृत्य डिस्कस करेंगे। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, नृत्य भी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। नृत्य भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है दोस्तों शास्त्रीय नृत्य, दूसरा होता है लोक नृत्य। तो हम लोक नृत्य को डिस्कस करने वाले हैं। तो लोक नृत्य क्या होता है? सबसे पहले दोस्तों, किसी विशेष लोगों के समूह या किसी विशेष स्थान पर पारंपरिक नृत्य लोक नृत्य कहलाता है। यह एक विशेष समुदाय स्थान या जाति से संबंधित होता है दोस्तों, उसे ही लोक नृत्य कहते हैं। समझ में आ गया क्या आपको? बस इतना ही है। तो लोक नृत्य के बारे में इतना ही है, और आपको अब इसको हमको पढ़ना है, समझना है दोस्तों। क्या है, देश में अलग अलग क्षेत्र में जिस तरह अलग अलग लोकगीत हैं, उसी प्रकार के लोक नृत्य भी हैं दोस्तों। अलग अलग प्रकार के लोक नृत्य हैं। भारत में विविध लोक नृत्य विख्यात है। हर राज्यों के अलग अलग लोक नृत्य हो सकते हैं, है कि नहीं? लोक नृत्य को इंग्लिश में फोक डांस भी बोलते हैं दोस्तों। लिखते हैं FOLK, लेकिन बोलते हैं फोक डांस, है ना? फोक डांस बोलते हैं दोस्तों। तो ये प्रत्येक अवसर पर, जैसे कि मौसम के आगमन पर, बच्चों के जन्म पर, विवाह पर, अन्य बहुत सारे त्योहारों पे अपने अपने जाति के लोग मनाते हैं, लोक नृत्य का प्रदर्शन करते हैं दोस्तों। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य के बारे में। बुंदेलखंड पठार पढ़ लिया अपन ने दोस्तों, तो बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। तो बुंदेलखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसका नाम राई नृत्य है। राई क्या है? तो ये लोक नृत्य है, याद रखना है। लोक नृत्य है राई, कौन सा नृत्य है? लोक नृत्य है, और ये मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो वो राई है। ये बुंदेलखंड क्षेत्र से लिया गया है, बुंदेलखंड क्षेत्र का ही है, है ना? तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राई लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये बुंदेलखंड का है, याद रखना है। विवाह एवं पर्व त्योहार में, इस पर्व का मतलब त्योहार होता है, तो विवाह एवं त्योहार के अवसर पर इसे करा जाता है दोस्तों, विवाह एवं त्योहार के अवसर पर। और नृत्य शैली कैसी है इसकी? तो मृदंग वाद्य यंत्र के साथ तेज गति से नृत्य बेड़िया जाति द्वारा किया जाता है। ये बेड़िया जाति, याद रखना है, बेड़िया जाति बिहार झारखंड इधर साइड भी पाई जाती है, और मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलेगी ये जाति, ज्यादातर बेड़िया जाति द्वारा किया जाता है। राई के कलाकार देखेंगे तो एक है ज्ञानेश्वरी नाम की महिला है, ज्ञानेश्वरी, जो कटनी की है। ये राई के कलाकार है दोस्तों, प्रसिद्ध कलाकार है, इनका नाम आता है ज्ञानेश्वरी। नाम याद रखना है, ज्ञानेश्वरी का संबंध किससे है? तो राई नृत्य से है। ज्ञानेश्वरी का संबंध किससे है? तो राई नृत्य से है। कटनी की है ये, याद रखना है। तो राई कहाँ का? बुंदेलखंड का है, और ये मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है, इतना याद रखें। देखो ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक मृदंग और एक होता है ढोलक। तो मृदंग ऐसा होता है, ढोलक ऐसा होता है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होने का है ना। राई नृत्य बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में होता है। कभी पूछा राई नृत्य बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में होता है, लेकिन स्पेशल कहाँ का है? वो बुंदेलखंड का है। ऑप्शन बुंदेलखंड रहेगा तो बुंदेलखंड लगाना है। बुंदेलखंड के राई नृत्य में वाद्य यंत्र मृदंग का प्रयोग किया जाता है, जबकि बघेलखंड में ढोलक का प्रयोग किया जाता है। ये अंतर है, है ना? मृदंग का प्रयोग कहाँ? बुंदेलखंड में, और ढोलक का प्रयोग बघेलखंड में किया जाता है, इसको याद रखना है। समाचार पन्नों में एक बातें छपी थी करंट अफेयर की दृष्टि से, इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है दोस्तों, है ना? तो प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं, पद्मश्री से नवाजे गए बुंदेलखंड राई के धुआंधार कलाकार राम सहाय पांडे कहाँ के हैं दोस्तों? मध्य प्रदेश के सागर जिले के हैं ये। कहाँ से हैं पूछा जा सकता है? राम सहाय पांडे सागर जिले के हैं। सागर जिले से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। 2022 में पद्मश्री मिला है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है अपने को, राम सहाय पांडे का संबंध किससे है? तो राई नृत्य से है, याद रखना है। इन्हें 2022 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, है ना? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। बस इतना पूछेगा, राम सहाय पांडे कहां के हैं? सागर जिले के हैं। कहां के हैं? सागर जिले के हैं। इन्हें राई नृत्य के लिए 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है 2022 में। तो राम सहाय पांडे का संबंध किससे है? राई नृत्य से है, और ये सागर जिले से है। इन्हें पद्मश्री मिला है 2022 का,
है ना। आगे हम बात करते हैं दूसरा, बधाई नृत्य की बात करेंगे। बधाई नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र का नृत्य है, इसको याद रखना है। अपन ने क्या पढ़े, राई नृत्य बुंदेलखंड का है, बधाई नृत्य भी कहाँ का है, बुंदेलखंड का है। विवाह एवं शुभ अवसर पर किए के अवसर पर किया जाता है ये, विवाह एवं जो शुभ अवसर होते हैं उस पर किया जाता है ना। नृत्य शैली कैसी है, तो पुरुष महिलाओं के वेश में नृत्य करते हैं दोस्तों। पुरुष जो होते हैं वो महिला का वेश बनाते हैं और नृत्य करते हैं, ये पूछा जा सकता है ना, याद रखना है। अगला है, अगला नृत्य है ढिमराई नृत्य। ढिमराई नृत्य ये भी बुंदेलखंड का है, राई बधाई और ढिमराई ये बुंदेलखंड का है। विवाह और नवदुर्गा नवरात्रा के समय किया जाता है दोस्तों। नृतक द्वारा कथक शैली का प्रयोग किया जाता है, जो नाचने वाले होते हैं उनके द्वारा कथक शैली का प्रयोग किया जाता है। कथक अपन ने पढ़े दोस्तों, कथक एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है, ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। तो कथक शैली का, कथक टाइप की शैली का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। ढिमराई कहाँ का है, बुंदेलखंड का है। सैरा, सैरा नृत्य बुंदेलखंड का है दोस्तों, तीज के अवसर पर किया जाता है। तो तीजा का त्यौहार जो होता है दोस्तों, जिसमें महिलाएं व्रत रखती है ना, वो झूला बांधती है, महिलाएं रात भर व्रत रखती है, सुबह से रात तक के व्रत रखती है, सुबह तक के व्रत रखती है और दूसरे दिन उसको फिर सिरा देते हैं। तो तीज का जो त्यौहार आता है दोस्तों, उसमें वो उसमें किया जाता है सैरा नृत्य। पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य है दोस्तों, पुरुष प्रधान यानी पुरुषों के द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नृत्य शैली कैसी, पुरुषों के द्वारा किया जाता है सैरा नृत्य। अगला नृत्य है जावरा, जावरा नृत्य बुंदेलखंड अपितु संपूर्ण मध्य प्रदेश में किया जाता है, यानी बुंदेलखंड का तो है ही लेकिन संपूर्ण मध्य प्रदेश में किया जाता है। नवरात्रि पर महिलाओं द्वारा किया जाता है ये, नवरात्रि पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। सिर के ऊपर जावरा, जावरा, जावरा रखकर, कलश रखकर किया जाता है दोस्तों। जो जवारा बोते हैं ना, जवारा, जवारा बोते हैं कि नहीं, जो कलश रखते हैं उसके ऊपर गेहूं या धान की, गेहूं बोते हैं गेहूं, तो उसको जवारा कहते हैं दोस्तों। जवारा रखकर, सर पे जवारा रखकर और कलश रखकर किया जाता है ये जवारा नृत्य। कहाँ का है पूछेगा, तो बुंदेलखंड का है। अगला है कनाडा, कनाडा नृत्य, कनाडा, कनाडा नृत्य ये बुंदेलखंड का है। विवाह और त्यौहार के अवसर पर किया जाता है। लौटा और ढोलक वाद्य यंत्र से तीव्र गति से नृत्य किया जाता है। लौटा और ढोलक, लौटा भी एक वाद्य यंत्र है दोस्तों, जिसको बजाते हैं, है ना, ऐसा। और ढोलक, ढोलक वाद्य यंत्र से तीव्र गति से नृत्य किया जाता है। कनाडा कहाँ का है पूछेगा, बुंदेलखंड का है। अगला है बरेदी नृत्य, ये बरेदी नृत्य इंपॉर्टेंट है, ये बुंदेलखंड और सतपुड़ा के क्षेत्रों में ज्यादा किया जाता है। सतपुड़ा के पठार वाले जो जिले आते हैं क्षेत्र में ज्यादा किया जाता है, दिवाली के अवसर पर किया जाता है ये। ये नृत्य शैली कैसी है, तो पैरों में घुंघरू और सिर पर मोर के पंख बांध, पंख लगाकर करते हैं दोस्तों। पैरों में घुंघरू और हाथ पैर में भी वो सफेद वाली वो लगा लेते हैं और उसमें करते हैं। इस नृत्य से पहले एक व्यक्ति कविता गाता है दोस्तों, और जिसे दीवारी कहा जाता है। जो कविता गाता है उसे दीवारी, दीवारी कहा जाता है। जो अहीर लोग, अहीर जनजाति के लोग, ग्वाला और यादव लोग जो घर घर आके 11 तक के नाचते हैं, आपने देखा होगा, जो अपन गोवर्धन बनाते हैं उसको खूंदते हैं, उसको 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 समाप्त कर देते हैं, जो गोवर्धन पूजा करते हैं उसको, है ना। तो यह नृत्य पहले व्यक्ति कविता गाता है, कोई कविता बोलता है अच्छी सी, और उसके बाद सब लोग मिलकर नाचते हैं बेहतरीन तरीके से, है ना। तो यह नृत्य जो है अहीर, ग्वाला, ग्वाल, यादव जाति के द्वारा दिवाली के पश्चात 11 तक अलग अलग घरों में जाकर किया जाता है। अलग अलग घरों में जाके 11 तक के आते हैं कि नहीं, अहीर लोग, ग्वाला लोग नाचते हैं, पूरे मोर पंख लगा लेते हैं, ऊपर पैर में घुंघरू, हाथ में घुंघरू, डंडा पकड़ के नाचते हैं, वही वाला है दोस्तों ये, है ना। तो बरेदी नृत्य कहाँ का है, बुंदेलखंड और सतपुड़ा क्षेत्र में ज़्यादातर किया जाता है, याद रखना है। अहीर जनजाति, ग्वाला, यादव जाति के द्वारा दिवाली के पश्चात 11 तक अलग अलग घरों में किया जाता है। तो अपने को तो ऐसी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बरेदी नृत्य कहाँ का है, तो बुंदेलखंड का है, सतपुड़ा का, ये याद रखना है। कनाडा कहाँ का है, तो ये बुंदेलखंड का है, ऐसी क्वेश्चन आते हैं सिंपल। जवारा, जवारा, जवारा नृत्य, जवारा, ज्वारा भी बोलते हैं इसको, ज्वारा, ज्वारा नृत्य, जवारा नृत्य, ज्वारा बोलते हैं ना दोस्तों, उसी को बोलते हैं, बुंदेलखंड और संपूर्ण मध्य प्रदेश में। सैरा और ढिमराई इंपॉर्टेंट है, बुंदेलखंड का है। बधाई इंपॉर्टेंट है और राई नृत्य इंपॉर्टेंट है। राई नृत्य तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य ही है दोस्तों, है ना, ये याद रखना है। तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र के इतने नृत्य थे जो अपने को याद रखना है। बुंदेलखंड के बाद अपन बात करते हैं अब बघेलखंड क्षेत्र के नृत्य, बघेलखंड क्षेत्र के नृत्य देखते हैं। तो बघेलखंड के में आता है दादर, दादर कहाँ का है दोस्तों, दादर है बघेलखंड का। शुभ अवसर पर किया जाता है, पुरुष महिला वेश में नृत्य करते हैं, पुरुष जो है महिला वेश में नृत्य करते हैं इसमें दादर, दादर कहाँ का है पूछेगा, बुंदेलखंड का। अगला है सुआ, अगला क्या है, सुआ नृत्य,
तो सुवन नृत्य कहाँ का है दोस्तों? सुवन नृत्य बघेलखंड का है, और ये खरीफ की फसल पकने पर, खरीफ की फसल है ना, खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। तो जब पकती है दोस्तों अक्टूबर नवंबर में, उस टाइम पर सिर पे कलश रखकर यहाँ नृत्य करते हैं खरीफ की फसल। जून जुलाई में बोते हैं, अक्टूबर नवंबर जब दिवाली आती है पक जाती है, जब काट लेते हैं तो काटने के पहले इन लोग सिर पर कलश रख के, काटने के बाद या पहले किया जाता है। सुवा कहाँ का है पूछेगा? बघेलखंड का। बीरहा नृत्य ये बघेलखंड का है। विवाह और शुभ अवसर पर किया जाता है। पुरुष द्वारा त्रियुत लय के नृत्य किया जाता है, त्रियुत लय में नृत्य किया जाता है, बिल्कुल लय में नाचते हुए नृत्य किया जाता है। बीरहा नृत्य याद रखना है। कलसा नृत्य ये कहाँ का है? बघेलखंड का है। ये बारात के आगमन पर, जब बारात लेके आता है दूल्हा तो उसके सामने सामने नाचते हैं, कलसा नृत्य, सिर पर कलश रखकर नृत्य किया जाता है दोस्तों। इसमें कलसा नृत्य कहाँ का है पूछेगा? बघेलखंड का है। के माली नृत्य ये बघेलखंड का है। विवाह के अवसर पर किया जाता है। सवाल जवाब की शैली में महिला पुरुष द्वारा करते हैं, सवाल जवाब की शैली में महिला पुरुष द्वारा करते हैं। और केमली नृत्य को साजन नृत्य भी कहते हैं दोस्तों, पूछा जा सकता है। साजन नृत्य कौन सा है? तो के माली नृत्य को साजन नृत्य भी बोलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। साजन नृत्य किसे कहते हैं? के माली नृत्य को। अगला है कहरवा नृत्य बघेलखंड का है। शादी विवाह के अवसर पर किया जाता है। टिकोरा और टिकोरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। एक टिकोरा नामक एक वाद्य यंत्र होता है दोस्तों, ढोलक टाइप का टिकोरा जिसको बजाते हैं, है ना। तो टिकोरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है इसमें। टिकोरा वाद्य यंत्र का प्रयोग पूछेगा तो कहरवा नृत्य बघेलखंड का है। टिकोरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रमुख जनजाति नृत्य देख लेते हैं। अब देखो दोस्तों प्रमुख जनजाति नृत्य देखते हैं तो इंद्रपरी नृत्य होता है। एक इंद्रपरी नृत्य, इंद्रपरी नृत्य सहरिया जनजाति का नृत्य है। क्वेश्चन आ सकता है इंद्रपरी नृत्य किस जनजाति का है? सहरिया जनजाति का नृत्य है जिसे रागनी गीत गाया जाता है। इसमें रागनी गीत गाया जाता है दोस्तों। इस नृत्य का आयोजन विवाह के अवसर पर किया जाता है, याद रखना है। अगला है गौर नृत्य। गौर नाम का एक जानवर भी होता है दोस्तों, जिसके ऊपर सिंह होते हैं, जिसे जंगली बोधा कहते हैं, जिसे इंडियन बायसन के रूप में भी जाना जाता है। तो ये एक नृत्य है जो पुरुष और महिलाएं अपने सर के ऊपर सिंह लगाती है, बायसन टाइप की सिंह लगाकर नाचती है। होली के महीने यानी फाल्गुन मास फाल्गुन का महीना जो आता है, होली का महीना में भील पुरुषों द्वारा गौर नृत्य किया जाता है। भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गौर के नृतक अपने हाथ में छड़ रखकर एक दूसरे से छड़ को टकराते हुए गोल घेरे में नृत्य करते हैं और सर पर जो है सिंह लगाते हैं। गौर नृत्य, गौर नाम का इंडियन बायसन भी होता है दोस्तों, है कि नहीं? इंडियन बायसन, गौर जो जंगली बोधा, उसके ऊपर सिंह होते हैं, तो वैसा वाला नृत्य किया जाता है। समझ में आ गया? पूछा जा सकता है। भील पुरुषों द्वारा गौर नृत्य किया जाता है, याद रखना है। हाथी माना नृत्य। विवाह के अवसर पर भील जाति के पुरुष द्वारा घुटने के बल बैठकर तलवार घुमाते हुए नृत्य किया जाता है। भील जाति के द्वारा, याद रखना है। हाथी माना नृत्य भील जाति के द्वारा। उसके बाद बात करेंगे परधौनी नृत्य, इंपॉर्टेंट है। बैगा जनजाति यानी बैगा समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है दोस्तों। बारात आगमन के समय किया जाता है परधौनी नृत्य, याद रखना है। अब डिंडोरी जिले के अर्जुन सिंह दुर्वे को कला के क्षेत्र में परधौनी नृत्य के लिए 2022 में प्रथम श्री पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अर्जुन सिंह ध्रुवे का संबंध किस नृत्य से है? तो परधौनी नृत्य से है। इन्हें 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों। डिंडोरी जिले के हैं अर्जुन सिंह ध्रुवे, इनका नाम याद रखना है। अर्जुन सिंह ध्रुवे का संबंध परधौनी नृत्य से है, इतना याद रखें। चटकोरा नृत्य डायरेक्ट पूछा जाता है। चटकोरा नृत्य कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। कोरकू जनजाति दक्षिण मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है। चटकोरा नृत्य कोरकू जनजाति का प्रमुख नृत्य है। यह किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है। डायरेक्ट पूछा जाएगा चटकोरा किसके द्वारा किया जाता है? तो ये कोरकू जनजाति के द्वारा। अगला है लहंगी नृत्य। ये सहरिया जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है दोस्तों। सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, सामूहिक नृत्य है। यह नृत्य रक्षाबंधन के अगले दिन बुजरिया और कजलिया, बुजली बोते हैं ना दोस्तों, बुजली सिराने जाते हैं, जब करते हैं, बुजलिया और कजलिया, बुजरिया या कजलिया का त्यौहार के दौरान किया जाता है दोस्तों। रक्षाबंधन के अगले दिन लहंगी नृत्य सहरिया जनजाति का सामूहिक नृत्य है। अगला है रीना नृत्य। ये मंडला और बालाघाट में बैगा जनजाति में यह नृत्य वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा रीना नृत्य कहाँ किया जाता है? तो बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है, और बैगा जनजाति ज्यादातर मंडला और बालाघाट में पाई जाती है। बैगा चक्र क्षेत्र तो मंडला को ही कहते हैं दोस्तों, है ना, और बालाघाट में ही बैगा जनजाति पाई जाती है। बैगा जनजाति के युवाओं द्वारा किए जाने वाला दशहरा दिवाली तक चलने वाला नृत्य है ये रीना नृत्य, मंडला और बालाघाट, याद रखना है।
जनजाति वाले नृत्य इतने ही थे दोस्तों, जनजाति नृत्य इतने ही थे। इंद्रपरी नृत्य, सहरिया जनजाति, गौर नृत्य, कौन सा गौर नृत्य पूछेगा तो ये यहाँ पे किया जाता है, याद रखना है गौर नृत्य है ना। भीलों के द्वारा हाथी माना नृत्य, भील के द्वारा परधौनी नृत्य, परधौनी नृत्य पूछा जाएगा तो ये किसके द्वारा, परधौनी बैगा के द्वारा, चटकोरा कोरकू के द्वारा, लहंगी सहरिया के द्वारा, रीना बैगा जनजाति के द्वारा। अब हम आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश की जनजाति नृत्य, एक नज़र में देखेंगे, सिर्फ एक नज़र देखेंगे, काम खत्म। देखो अब जनजाति नृत्य एक नज़र में देखते हैं तो बैगा जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों, बैगा जनजाति मंडला और बालाघाट में ज़्यादातर पाई जाती है तो ये नृत्य भी वहीं किए जाएंगे। तो कर्मा नृत्य बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है मंडला बालाघाट में, परधौनी नृत्य बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है मंडला और बालाघाट में। उसके बाद है रीना नृत्य, रीना और बिमला ये मंडला और बालाघाट में बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। सजनी दीवानी नृत्य मंडला बालाघाट और डिंडोरी, डिंडोरी में भी बैगा जनजाति पाई जाती है कि नहीं, तो बैगा जनजाति के द्वारा कर्मा, परधौनी, रीना, बिमला, बिमला या विमला बोलते हैं उसको, सजनी दीवानी, ये बैगा जनजाति का नृत्य पूछा जा सकता है, याद रखना है मंडला बालाघाट क्षेत्र में, क्योंकि बैगा जनजाति ज्यादातर मंडला और बालाघाट क्षेत्र में पाई जाती है। मंडला को तो बैगा चक्र क्षेत्र भी बोलते हैं और बालाघाट जिले में भी पाई जाती है, मंडला को आदिवासी जिला भी कहा जाता है, पता होगा आपको है ना। गोंड जनजाति के द्वारा कर्मा, सैला, गेड़ी और गोचो नृत्य है ना, तो कर्मा नृत्य मंडला और बालाघाट में गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है, सैला नृत्य छिंदवाड़ा और बालाघाट में गोंड जनजाति के द्वारा, गेड़ी नृत्य जो है छिंदवाड़ा मंडला और बालाघाट में, और गोचो नृत्य, तो गेड़ी और गोचो नृत्य गोंड जनजाति का है, याद रखना है ना, मंडला बालाघाट में है ना। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे कर्मा नृत्य किस जनजाति के द्वारा, सैला नृत्य किस जनजाति के द्वारा, गेड़ी और गोचो नृत्य किस जनजाति के द्वारा। जिले का नाम देगा तो बालाघाट या मंडला और छिंदवाड़ा, इधर आजू बाजू का ही जिले देगा दोस्तों है ना। जो सतपुड़ा वाला जो क्षेत्र है अपना मध्य प्रदेश का, दक्षिण पूर्वी वाला जो क्षेत्र है मंडला बालाघाट छिंदवाड़ा वाला, वही ऑप्शन देगा, डिंडोरी भी दे सकता है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से रहेगा जब ये क्वेश्चन आएगा। तो गोंड जनजाति के द्वारा कर्मा, सैला, गोचो और गेड़ी है ना। अब बात करते हैं कोरकू जनजाति, तो कोरकू जनजाति सतपुड़ा के पठार तरफ पाई जाती है, जिसमें से सबसे ज्यादा होशंगाबाद और बैतूल क्षेत्र में मिलेगी, तो होशंगाबाद और बैतूल क्षेत्र में कोरकू जनजाति पाई जाती है। कोरकू जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है चटकोरा और डंडल, डंडाल, डंडल, डंडल, चटकोरा और डंडल नृत्य कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है चटकोरा नृत्य किस जनजाति के द्वारा, कोरकू जनजाति के द्वारा, और डंडल नृत्य भी कोरकू जनजाति के द्वारा बैतूल होशंगाबाद में किया जाता है। सहरिया जनजाति मध्य भारत के पठार में पाई जाती है, ज्यादातर के ग्वालियर हो गया, ग्वालियर, श्योपुर, सेवपुर, भिंड, मुरैना वाला जो क्षेत्र है दोस्तों उधर ही साइड पाई जाती है। सहरिया जनजाति राजस्थान से लगा हुआ जो क्षेत्र है वहां पाई जाती है। तो रागिनी लहंगी और दुल दुल घोड़ी, रागिनी नृत्य और लहंगी नृत्य और दुल दुल घोड़ी, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। रागिनी नृत्य किस जनजाति के द्वारा, सहरिया जनजाति, लहंगी नृत्य सहरिया जनजाति और दुल दुल घोड़ी नृत्य सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। रागिनी नृत्य पूछेगा तो शिवपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, लहंगी नृत्य ग्वालियर, शिवपुर, शिवपुरी, दुल दुल घोड़ी ग्वालियर, शिवपुर, मुरैना, यानी मध्य भारत के पठार में जो जिले हैं दोस्तों उधर ही साइड होता है, याद रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, रागिनी, लहंगी और दुल दुल घोड़ी किस जनजाति द्वारा, सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। भारिया जनजाति ज्यादातर छिंदवाड़ा के पातालकोट में निवास करती है और जबलपुर में भी थोड़ा बहुत करती है, लेकिन उनका मुख्य क्षेत्र छिंदवाड़ा का पातालकोट ही है। तो भारिया जनजाति का जो प्रमुख क्षेत्र है, प्रमुख नृत्य है वो भड़म, भड़म और सैतम, भड़म और सैतम, भड़म और सैतम किस जनजाति के द्वारा, भारिया जनजाति के द्वारा किया जाता है दोस्तों। भारिया जनजाति के द्वारा छिंदवाड़ा के पातालकोट में भारिया जनजाति निवास करती है ना। तो भड़म और सैतम पूछेगा तो भारिया जनजाति का प्रमुख जनजाति नृत्य है भड़म और सैतम, याद रखना पड़ेगा भड़म और सैतम। अगला है मुडिया जनजाति, मुडिया जनजाति ज्यादातर पूर्वी मध्य प्रदेश बघेलखंड तरफ पाई जाती है दोस्तों। मुडिया जनजाति छत्तीसगढ़ से लगे हुए जो जिले हैं वहां पाई जाती है, जैसे कि अनूपपुर और सैडोल, अनूपपुर और सैडोल में। तो गौर नृत्य मैंने अभी बताया था, गौर नृत्य में गौर एक जानवर का भी नाम होता है, इंडियन बायसन जो होता है उसके ऊपर जो सिंह होते हैं वैसे सिंह को लगाते हैं और हाथ में डंडा पकड़ के एक मेक को मारते हैं, यानी वो करते हैं जैसे गरबा टाइप का और नाचते हैं। तो गौर नृत्य मुडिया जनजाति के द्वारा, और पांडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ का लोक, छत्तीसगढ़ का प्रमुख डांस है ये, तो ये अनूपपुर और सहडोल तरफ किया जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, गौर नृत्य किस जनजाति द्वारा, मुंडिया जनजाति के द्वारा, और पांडवानी गीत किस जनजाति के द्वारा, तो मुंडिया जनजाति के द्वारा गाए जाने वाला गीत है, नृत्य है, याद रखना नृत्य भी है और गीत भी है। गौर और पांडवानी
मुडिया जनजाति, अनूपपुर शहडोल, अनूपपुर शहडोल याद रखो बस। अब आगे बात करते हैं अपन हिंगोट का युद्ध। हिंगोट का युद्ध इंदौर में होता है दोस्तों, इसे हिंगोट का मेला के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाएगा अपने को हिंगोट का मेला या हिंगोट का युद्ध कहाँ होता है, तो इंदौर में होता है। हिंगोट मध्य प्रदेश के इंदौर के पास गौतमपुरा गांव में दिवाली के दूसरे दिन हिंगोट युद्ध खेला जाता है, हिंगोट का मेला लगता है, हिंगोट का युद्ध खेला जाता है ना। हिंगोट क्या है पूछा जा सकता है, तो हिंगोट एक फल है दोस्तों। हिंगोट एक फल होता है नारियल टाइप का, जो ऊपर का फल उसका कठोर होता है और अंदर मुलायम होता है, खाने में भी काम आता है, कई सारी चीजों में काम आता है। तो हिंगोट क्या है पूछा जा सकता है, तो हिंगोट एक फल है। तो यह पारंपरिक युद्ध में जिस हथियार का प्रयोग होता है वह एक प्रकार का फल है दोस्तों, जिसे हिंगोट कहते हैं, जिसे हिंगोट कहा जाता है। ये दो दलों के बीच होता है ये, एक तरफ एक दल रहते हैं, दूसरे तरफ दो दल, एक मेक को फेंक के मारते हैं दोस्तों, फेंक के मारते हैं धड़ाधड़ उधर साइड से वो भी फेंक के मारते हैं, और बचना होता है। जिसको लग गया तो अच्छी बात है, जिसको लग गया तो अच्छी बात है वो भी अच्छा होता है, जिसको लगता है तो वो भी अच्छा होता है। तो दो दलों के बीच एक दूसरे को एक दूसरे पर छोड़ते हैं, फेंक के मारते हैं, उसे ही हिंगोट का युद्ध कहते हैं दोस्तों। गौतमपुरा और रूणाजी गाँव में युद्ध की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है, एक तो इंदौर के पास गौतमपुरा नामक गांव है वहां, और एक और गांव है रूणाजी गांव में, दो गांव में होता है खासकर ज्यादातर ये, है ना, इतना याद रखना है। तो समझ में आ गया, ये दो गांव में होता है, पारंपरिक प्राचीन समय से चली आ रही है। गौतमपुरा और रूणाजी के युवा गोवर्धन पूजा के दिन शाम के बाद करते हैं दोस्तों, गोवर्धन पूजा जिस दिन होती है उसके बाद शाम के बाद एक मंदिर के दर्शन करते हैं, और उसके बाद यह हिंगोट युद्ध की शुरुआत होती है। ये इमेज आप देख सकते हैं, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा अपने को हिंगोट का युद्ध या हिंगोट का मेला कहाँ लगता है, गौतमपुरा में, याद रखना है। दो गाँव के नाम भी याद रख लो, कभी कभी गाँव के नाम भी पूछा जा सकता है, है ना। अब बात करते हैं अपन तीजन बाई की दोस्तों। तीजन बाई का जन्म हुआ था दुर्ग में, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हुआ था। यह पांडवानी गीत की प्रसिद्ध कलाकार रही है ना, देश विदेश में इन्होंने, इनका नाम चलता है, बहुत प्रसिद्ध कलाकार रही हैं ये। इन्हें क्या क्या मिल चुका है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सबसे पहले, तो तीजन बाई का संबंध किससे है, तो पांडवानी गीत से है, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध कलाकार है। इन्हें पद्म श्री मिला है 1987-88 में, पद्म विभूषण भी मिल चुका है 2003 में, पद्म भूषण भी मिल चुका है 2003 में, और पद्म विभूषण भी मिल चुका है 2019 में। तो कितनी इंपॉर्टेंट कलाकार है सोच सकते हो आप, है ना। भारत के तीनों सबसे बड़े सम्मान मिल चुके हैं इनको, सबसे बड़ा सम्मान तो भारत रत्न होता है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण, तीसरे नंबर का पद्म भूषण, चौथे नंबर का पद्मश्री होता है। तो तीन सम्मान मिल चुके हैं सोचो, है ना। तो ये पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। तीजन भाई का संबंध किससे पूछेगा डायरेक्ट, पांडवानी गीत से, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हुआ था इनका जन्म, है ना। इस तरीके से इसको याद रखना है, सन भी याद रख लो, कब कब मिला है करके पूछा जा सकता है ना। तो ये लेक्चर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, मध्य प्रदेश के लोक नृत्य डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम लोक गायन को डिस्कस करेंगे, मध्य प्रदेश के लोक गायन को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते, चैनल को सब्सक्राइब कर